बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 शुरू कर रहे हैं। आइए उसका पार्ट 1 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e पावर माइनस x। तो y हमें गिवन है, तो सबसे पहला काम हमने गिवन फंक्शन लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर e पावर माइनस x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव लिख लिया। लेफ्ट साइड पर y का डेरिवेटिव हो गया y1। अब यहां पर आप देखें, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट जरूर लगता है। तो दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव हमने लेना है, तो सेकंड फंक्शन सेम हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यही काम हम यहां पर कर रहे हैं। ये सेकंड फंक्शन है, सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर सेम आ गया और सेकंड फंक्शन e पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो गया। अब ये e पावर माइनस x सेम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर सेम आ गया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, वो सेम आ गया। अब यहां पर पावर में e की पावर माइनस एक्स है, स्टैंडर्ड होता है एक्स, तो इसका मतलब है ये नॉट एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई रकम है ना। ऐसा हो तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाता है। अब हम अपने काम को आसान करने के लिए क्या करते हैं, यहां से ई पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। वो कॉमन ले लिया, ये बच गया 2x और यहां पर इस माइनस वन से ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉमन लेने से फायदा हमें ये होगा कि यहां पर हमारे लिए डेरिवेटिव वाला काम आसान हो जाएगा। अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये y1 है तो इसका डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, डेरिवेटिव राइट साइड पर आ गया। अब यहां पर फिर दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन देख लें सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहां भी वही काम हमने किया, सेकंड फंक्शन सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब ये 2x माइनस x का सेम आ गया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। अब यहां पर माइनस x है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन, फिर प्लस के बाद ई पावर माइनस एक्स सेम, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहां से फिर हम ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन लिया। अब इस माइनस की जगह ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, ये 2 माइनस 2x आ गया। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ई पावर माइनस एक्स सेम आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो गया और ये प्लस टू आ गया। तो इस तरीके से हमने पार्ट वन जो है वो कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम पार्ट टू देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड वाई टू इफ वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री ओवर थ्री एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले तो हमने वाई को लिख लिया। अब यहां पर इसी शक्ल में जो इसकी मौजूदा शक्ल है यानी कि ये शक्ल, इसका भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमने दो डेरिवेटिव मालूम करना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो इसलिए हमारा जो डेरिवेटिव मालूम करने का प्रोसेस है वो मुश्किल हो जाएगा। उसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग होने का फायदा उठाते हैं और लॉग का ये वाला रूल लगाते हैं, लॉग एक्स ओवर वाई बराबर होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई कर देते हैं हम, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो ये हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने ये डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट साइड का y1 हो गया, राइट साइड का डेरिवेटिव ये हमने ले लिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन के दरमियान में माइनस है, इसका मतलब डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहां पर फिर हम देखें ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो ये वाली शक्ल है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये ln और ये है x, तो 1 ओवर x हो गया। अब ये क्योंकि नॉट x है, यहां पर स्टैंडर्ड के मुताबिक x होना चाहिए, यहां x नहीं है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। फिर ये माइनस आ गया, यहां पर फिर ln x
LNS का मतलब 1/x हो गया डेरिवेटिव से, और यहाँ पर नॉट x है जो उसका डेरिवेटिव लिख दिया हमने। अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2, 3 का 0 तो यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 3। इसी तरीके से यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव 3 बनेगा, 2 का 0, 3 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ओवर 3x प्लस 2, तो ये y1 हमने मालूम कर लिया। अब फिर यहाँ पर एक गलती क्या करते हैं, गलती तो नहीं है मतलब अपने काम को बढ़ा लेते हैं, वो क्या करते हैं इसका ले लेते हैं एलसीएम, इस वाली रकम का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद जो रकम बनती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। वो काम तो हो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आसान हम क्या कर सकते हैं कि इसी शक्ल में इसका डेरिवेटिव ले, इसको चेंज ना करें। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया y1 का, डेरिवेटिव लिया है तो ये y2 हो जाएगा, और ये राइट साइड पर डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर फिर देखें, ये फर्स्ट फंक्शन फिर माइनस ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाला 2 सेम इस वाली रकम को, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले गया साथ ही, तो इसकी पावर क्या बन गई है -1। इसी तरह ये 3 आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर क्या बन जाएगी -1। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये वाला 2 कांस्टेंट है, तो ये 2 कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, ये हमने 2 पहले लिख दिया और ये पावर आ गई। इसी तरह ये वाला 3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और बाकी जो रकम है वो सेम आ जाएगी, वो हमने लिख दी। तो ये क्या होता है कि कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाता है और फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये वही रूल हमने अप्लाई किया, ये हमने y2 लिख लिया। यहाँ पर हमें अब पावर नजर आ रही है, इसका मतलब है डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। इसमें क्या है, पावर है फंक्शन की, पावर पहले आ गई है, पावर में से 1 माइनस हो गया, और ये जो इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो गया। तो यही काम यहाँ पर है, ये पावर -1 है पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर ये इंटरनल फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ गया, फिर ये वाला -3 आ गया, अब ये पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, और इस इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये -7 आ गया, ये पावर -2 है, इसको नीचे ले आएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9 हो गया, और इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हमने ले लिया, अब यहाँ स्क्वायर खोल दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये वाला -4 सेम आ गया, ये 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब 2ab तो ये हो जाएगा 12x प्लस 9 सेम आ गया। अब यहाँ पर फिर फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया, और ये हो जाएगा 2ab से 12x। अब इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रकम आ गई है उसमें 36x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 108x माइनस 48x, माइनस के बाद एक आ गया 60x, ये 81 प्लस का है माइनस का 16 है, तो ये प्लस का 65 आ गया, और ये डिनोमिनेटर वाली रकम सेम आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन 2 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।